नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इसकी PDF फाइल बना के अपलोड कर देंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 108 क्वेश्चन तक का देखे थे, आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपका ही फ़ायदा होगा और आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले एडिट पे जाएंगे, फिर फाइंड करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन पेज लेआउट कैप्शन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेबल। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न से कौन पेज नंबर ऑप्शन पाने का सही क्रम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधार पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 112, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र डाउनलोड डालने का सही क्रम बताएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट होगा, फिर पिक्चर, फिर सेलेक्ट, फिर इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 113, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहाँ पाया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहाँ पाया जाता है? इंसर्ट कैप्शन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट कैप्शन में। क्वेश्चन नंबर 114, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बनाने का सही क्रम बताएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल में जाएंगे, फिर नया मिलेगा, न्यू मिलेगा यानी कि, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, फिर क्रिएट कर देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 115, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल के अवयव को कॉपी करने का शॉर्टकट बटन क्या है? सही आंसर है Ctrl+C, कॉपी करने का Ctrl+C है, कट करने का Ctrl+X होता है। और पेस्ट करने का Ctrl+V होता है। क्वेश्चन नंबर 116, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दों को बोल्ड करने का तरीका क्या है? Ctrl+B दबा लें या बोल्ड बटन को दबा दें तब भी बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+B होती है शॉर्टकट की, और बोल्ड पे जाके बोल्ड को दबा दें तब भी बोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सा क्रम उचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट जाएं, फिर फॉन्ट को करें। क्वेश्चन नंबर 118, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर है इंसर्ट कैप्शन में। क्वेश्चन नंबर 119, स्वतः हेडर एवं फुटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर यानी कि CM। क्वेश्चन नंबर 120, ओपन ऑफिस में फॉर्मेट कैप्शन में निम्न में से कौन नहीं होता है? फॉर्मूला जो है नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 121, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन ओपन ऑफिस में क्या होता है? Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल करने के लिए है, Ctrl+A का यूज़ करते हैं। किसी फाइल की पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या करते हैं? फाइल में जाते हैं, फिर सेव एज में, पेन ड्राइव में, फाइल नेम, फिर सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूल में। क्वेश्चन नंबर 124, ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+F12 को, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। Ctrl+F12 की दबाएंगे तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125, ओपन ऑफिस में टुंगा है, टुंगा क्या होता है? एक फॉन्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 126, ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी शब्द का स्वाभाविक रंग क्या है? ब्लैक होता है। क्वेश्चन नंबर 127, Ctrl+X ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसका शॉर्टकट बटन होता है? कट का होता है। क्वेश्चन नंबर 128, एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को रन टाइम पर गतिशील रूप से बनाने व प्रदर्शित करने की आज्ञा हेतु आपको एक फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोड स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए कंट्रोल बटन बनाएं, कंट्रोल को मूव मेथड के प्रयोग से पोजीशन करें व कंट्रोल की विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करें। क्वेश्चन नंबर 129,
विंडोज़ के विभिन्न एप्लीकेशन में किसी टेक्स्ट को बदलने हेतु हम किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एमएस ऑफिस में किस मेनू का प्रयोग पेज साइज बदलने हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाटा। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से किस कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 को विकसित किया है? इसका माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, इमेज एडिटर। क्वेश्चन नंबर 133, एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने हेतु कौन सी की दबाई जाती है? इसका सही आंसर है एंटर की। क्वेश्चन नंबर 104, फॉन्ट्स एवं उसके आकार को परिवर्तित करने हेतु कौन सा टूलबार का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 135, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, अनेकों बार। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का समूह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट सूट। क्वेश्चन नंबर 137, यदि कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाए तो वापस विंडोज़ में आने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? इसका सही आंसर है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट को। तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा, वहाँ से आप सारे प्रोग्राम्स को बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, वर्ड प्रोग्राम में सेलेक्ट ऑल निर्देश किस मद में आता है? ऑप्शन नंबर बी है इसका, एडिट में। क्वेश्चन नंबर 139, वर्ड प्रोग्राम में स्पेलिंग चेक करने के लिए स्क्रीन पर बने चिन्ह पर क्या लिखा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ABC लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 140, फॉर मेकिंग टेक्स्ट इन इटैलिक द कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड इज? इसका सही है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, ए हॉरिजेंटल बार ऑन द टॉप ऑफ द विंडो विच टेल्स यू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन विच यू आर वर्किंग इज क्या कहलाता है? स्क्रॉल बार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 142, वर्ड फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ab.doc। क्वेश्चन नंबर 143, वर्ड फाइल की सेव करने का सही विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फाइल में जाएं, फिर सेव में जाएं, ab.doc को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही चुनाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रीनेम। क्वेश्चन नंबर 145, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का सही प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट खोलें, फाइल में जाएं, फिर प्रिंट कमांड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ड फाइल में टेबल डालने के लिए सही विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट में जाएं, टेबल मिलेगा, फिर सेलेक्ट रो एंड कॉलम, फिर ओके कर दें। क्वेश्चन नंबर 147, एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है फोटोशॉप। क्वेश्चन नंबर 148, एमएस वर्ड का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 149, डॉक्यूमेंट सेव करना क्या कहलाता है? कंट्रोल प्लस एस। स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किसका करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, F7 का। क्वेश्चन नंबर 151, खाली जगह का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 152, पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, IBM। बेसिक, कोबोल, फॉरट्रेन सब एक कंप्यूटर की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 154, फॉरट्रेन भाषा का प्रयोग किया जाता है सी, गणित में। क्वेश्चन नंबर 155, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, फॉरट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 156, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोचार्ट। क्वेश्चन नंबर 157, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? फॉरट्रेन ही है। क्वेश्चन नंबर 158, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन नंबर सी, फॉरट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 160, कंप्यूटर भाषा फॉरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 161, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में। क्वेश्चन नंबर 162, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। क्वेश्चन नंबर 163, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 164, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? सी, ऑप्शन नंबर सी है, कोबोल में। क्वेश्चन नंबर 165, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 166, असेंबलर का कार्य
असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 167, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर सी कोबोल। क्वेश्चन नंबर 168, किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ऑप्शन नंबर बी कोबोल में। क्वेश्चन नंबर 169, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 170, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 171, फोर्ट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बेसिक को। क्वेश्चन नंबर 172, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, बेसिक को। क्वेश्चन नंबर 174, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी है, जावा है। क्वेश्चन नंबर 175, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 176, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के लिए समझता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 177, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 178, वर्ड प्रोसेसर का स्प्रेड शीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 179, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रो माइक्रो सिस्टम। जावा के आविष्कारक कौन थे, ऑप्शन नंबर सी है सन माइक्रो सिस्टम थे जावा के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 180, अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय भाषा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 181, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, सी बेसिक कोबोल और जावा एक उदाहरण किस चीज़ के हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी है हाई लेवल लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 183, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 184, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी है जावा। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 186, असेंबली लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी है इसका लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 187, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी है जावा। क्वेश्चन नंबर 188, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। क्वेश्चन नंबर 189, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, लोगो होती है। क्वेश्चन नंबर 190, सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी हाई लेवल के। क्वेश्चन नंबर 191, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती मशीनी लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 192, कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल लेवल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 193, नियमों के उस सेट को कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 194, असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 195, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है, ऑप्शन नंबर ए है न्यूमेरिक कोड। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेरी लैंग्वेज जनरेशन में आती है, ऑप्शन नंबर बी है चतुर्थ में। क्वेश्चन नंबर 197, सी भाषा में रिलेशन ऑपरेटर की संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 198, सी प्रोग्राम की मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 199, सी वेरिएबल नाम में क्या शामिल नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 200, एक एरे के पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बैव एड्रेस इसे होगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 201, एक फंक्शन का खुद को कॉल करना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ई रिकर्शन। निम्न से कौन सा केस कम्प्लेक्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है, इसका सही आंसर है नल केस। क्वेश्चन नंबर 203, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर एरे। क्वेश्चन नंबर 204, शब्द पुश और पॉप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी स्टैक। क्वेश्चन नंबर 205, XUL का पूरा रूप है, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 206, निम्न में से कौन सी में एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं है,
ऑप्शन नंबर सी वाइल में, क्वेश्चन नंबर 207 सी भाषा के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन नंबर बी डेनिस रिची, सी भाषा किसके द्वारा विकसित की गई है, डेनिस रिची के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 208 निम्न में से कौन सी यूनरी ऑपरेट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी छोटा बड़ा का साइन होता है ये, क्वेश्चन नंबर 209 लिनक्स के पीसी वर्जन को संस्थापित करने के लिए कंप्यूटर में निम्न में से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम या ड्राइव, क्वेश्चन नंबर 210 निम्न में से सेल प्रोग्राम के लिए क्या सत्य है, ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स कमांड्स को संयोजित कर कोई कार्य संपादित करता है, क्वेश्चन नंबर 211 लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स, लिनक्स क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स था, क्वेश्चन नंबर 212 निम्न से कौन सा प्रॉम्प्ट्स लिनक्स कमांड्स को लिखने के लिए उचित है, ऑप्शन नंबर ए डॉलर, क्वेश्चन नंबर 213 निम्न से कौन सा कमांड सभी फाइल एवं फोल्डर को दर्शाने के लिए लिनक्स में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए ls, क्वेश्चन नंबर 214 अभी की तारीख एवं समय दर्शाने का कमांड लिनक्स में क्या है, ऑप्शन नंबर बी डेट है, क्वेश्चन नंबर 215 निम्न से कौन सा कमांड फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए कोलन डब्ल्यू एवं क्यू बटनों के साथ, क्वेश्चन नंबर 216 लिनक्स में rm कमांड का प्रयोजन है, ऑप्शन नंबर बी वर्डित फाइल अथवा फाइलों को हटाना, क्वेश्चन नंबर 217 स्क्रीन को साफ करने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर, क्वेश्चन नंबर 218 mkdir का लिनक्स में क्या प्रयोजन है, ऑप्शन नंबर ए वर्डित डायरेक्टरी को बनाना, क्वेश्चन नंबर 219 अभी की डायरेक्टरी को बदलने के लिए लिनक्स में क्या कमांड है, ऑप्शन नंबर ए सीडी, क्वेश्चन नंबर 220 लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी कॉपी, किसी फाइल को पुनर्निर्मित करने के लिए लिनक्स में क्या प्रयोजन है, ऑप्शन नंबर सी REN, क्वेश्चन नंबर 222 निम्न में से कौन कैट के लिए लिनक्स में असत्य है, ऑप्शन नंबर डी फाइल हटाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 223 इको लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इनपुट की तरह, क्वेश्चन नंबर 224 बीसी लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट कैलकुलेटर, बीसी की फुल फॉर्म में ध्यान रखें बेस्ट कैलकुलेटर होगी, क्वेश्चन नंबर 225 इनमें से कौन डेटाबेस की भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है बेसिक, क्वेश्चन नंबर 226 कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कलेक्शन है जो कि ऑपरेट कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी डिवाइस को, टेक्स्ट इमेज और साउंड इस प्रकार जुड़े होते हैं ताकि प्रयोग करने वाला आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा सके, इसे क्या कहा जाएगा, हाइपरमीडिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरमीडिया, क्वेश्चन नंबर 228 सबसे प्रथम कैमरा किस चीज़ पर इमेज रिकॉर्ड करते थे, ऑप्शन नंबर सी फिल्म पर, क्वेश्चन नंबर 29 मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर स्प्रेडशीट का मुख्य तौर पर किस लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है बजट बनाने के लिए और कीमत का अनुमान लगाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 230 स्कैनर डॉक्यूमेंट्स को किस रूप में सेव करता है, ऑप्शन नंबर बी बिटमैप्स में, क्वेश्चन नंबर 231 कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे क्या कहते हैं, मशीनी भाषा, क्वेश्चन नंबर 232 एक अनुवादक जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ता था उसको मशीनी भाषा में बदलता उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 233 निम्न से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑप्शन नंबर ए जावा, क्वेश्चन नंबर 234 लिनक्स सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कमांड किसी फाइल में पैटर्न को खोजने के लिए होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइंड, क्वेश्चन नंबर 235 लिनक्स सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कमांड के प्रयोग करते हुए किसी फाइल में खराबी का पता चला सकता है, ऑप्शन नंबर सी चीक फाइल का, क्वेश्चन नंबर 236 लिनक्स सिस्टम में बाइनरी क्रियान्वयन फाइल जो कि सिस्टम के प्रशासन में प्रयोग की जाती है साधारणतः डायरेक्टरी में रखी जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूज़र, क्वेश्चन नंबर 237 लिनक्स सिस्टम में किस कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल या फाइलों से उसके अंदर की पंक्तियां शब्दों व अक्षरों की गणना कर सकते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर डी wc, क्वेश्चन नंबर 238 सी भाषा में किसी भी चर के नाम की अधिकतम सीमा होती है 10 अक्षर, किसी भी चर की अधिकतम सीमा क्या होगी 10 अक्षर की होगी, क्वेश्चन नंबर 239 सी भाषा के लिए नीचे दिए गए कथनों में से विषम कथन को चयन करें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू ए प्लस वन, क्वेश्चन नंबर 240 एक स्विच कथन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दो डी है उपयोग में से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 241 यदि स्ट्रिंग जिनकी तुलना की गई है एक समान है तो फंक्शन स्ट्रिंग द्वारा निम्न में से क्या मान प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए है 0,
क्वेश्चन नंबर 242, एक पॉइंटर यानी चर सी भाषा में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 243, सी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए कौन सा कीवर्ड मान्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रियल। क्वेश्चन नंबर 244, सी भाषा के निम्नलिखित प्रिंटफ कथन से सत्य छपेगा? ऑप्शन नंबर सी है 8। क्वेश्चन नंबर 245, फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक पूर्ण स्ट्रक्चर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो सकता है एक पूर्ण स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 246, सी भाषा में मैलॉक ब्रैकेट क्लोज फंक्शन किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज मैनेजमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 247, निम्न सी भाषा की उक्ति के क्रियान्वयन पर क्या परिणाम आएगा? ऑप्शन नंबर सी है एक पूर्णांकिक जिसके सबसे बाईं ओर की चार बिट हैं, बिट एक हैं तथा बाकी सब बिट शून्य हैं। क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित प्रोग्राम का एक क्या आउटपुट आएगा? ऑप्शन नंबर बी 10.15। क्वेश्चन नंबर 249, सी प्लस प्लस में एक फंक्शन जो कि एक क्लास के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्लास फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 250, निम्न में से कौन सा ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है? ऑप्शन नंबर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 251, कॉपी कंस्ट्रक्टर को बुलाया यानी कि इन्वोक किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ए तथा बी दोनों होंगे इसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 252, पॉइंटर टू पॉइंटर को परिभाषित करने का सही सिंटैक्स निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में से किस का उपयोग करके एक एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इन इंसर्ट आउट अप्रोच। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको इसकी पीडीएफ फाइल मिल सके, और इन क्वेश्चनों को जल्दी ही समाप्त करेंगे। नमस्कार।